हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली एंड यू आर वाचिंग आशाएं क्लासेस। तो स्टूडेंट, हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। आज हम सीखेंगे अपनी चैप्टर 5 का लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो थ्योरम्स हैं, इन सम वे बहुत सिमिलर है। देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट विद द रोल्स थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रोल्स थ्योरम से। तो क्या होती है रोल्स थ्योरम, समझेंगे, कब एप्लीकेबल होगी, लेट्स सी। तो If fx be any real valued function, fx एक कोई भी function है, okay, which is defined on closed interval, ध्यान रखना है square bracket है, तो मतलब closed interval, मतलब जो a भी है वो भी आपकी जो value का set है available है उसके अंदर। तो such that कि अगर कोई भी function है fx जो कि defined है on closed interval a b, तो स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, तीन कंडीशन चेक करनी होती है रोल्स थ्योरम के लिए। फर्स्ट, कि जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। दूसरी कंडीशन, कि जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल भी है, बट कहाँ पे, एट ओपन इंटरवल ए बी। अब आप देख रहे होंगे कि ओपन इंटरवल को कैसे मैंने डिनोट किया है, एक तो पैरेंथेसिस में एंड सेकेंड इज जो स्क्वायर ब्रैकेट पहले अंदर की तरफ लग रहे थे अब वो उल्टे लगा दिए हैं। दिस ऑल्सो मीन्स ओपन ब्रैकेट, राइट, मतलब अब इस सेट के अंदर मेरा ए और बी अवेलेबल नहीं है, बट इनके बीच की सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। तो हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, फर्स्ट के जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन, के जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है इन इंटरवल ए बी। देन थर्ड कंडीशन क्या है, हमें चेक करना है कि अगर f पे जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे मैं अपनी लिमिट जो पहली है a वो रखूं एंड देन b रखूं, तो जो रिजल्ट है वो इक्वल आना चाहिए, मींस f a f b के इक्वल आने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई फंक्शन, देन व्हाट वी कैन से, इफ ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई, सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, देन देयर एग्जिस्ट सम सी, एक कोई भी पॉइंट रहेगा सी इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट रहेगा सी, सच दैट के एफ डैश सी जीरो होगा, राइट। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखेंगे हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन। अभी बेसिक मैंने क्या बताया है, रोल्स थ्योरम क्या होती है, कब लगेगी, उससे पहले तीन कंडीशन चेक करनी है, तीनों कंडीशन आपके पास है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूस के लिए आपको क्लोज्ड इंटरवल चेक करना होता है और डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, राइट स्टूडेंट। ये तीन कंडीशन आप चेक करेंगे किसी भी फंक्शन की, अगर तीनों ट्रू है देन रोल्स थ्योरम लगा के क्या कहती है कि एक पॉइंट आएगा, एक एक नंबर आएगा सी आपके लिमिट के अंदर जो आपको गिवन है, सच दैट कि एफ डैश सी जीरो होगा। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात, अब ये कहना क्या चाहता है, मैं थोड़ा आपको ग्राफ से एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। दैट इज ओके स्टूडेंट, तो जो रोल्स थ्योरम होगी वो कैसे, जैसे एक फंक्शन है एफएक्स, उसका कर्व मैंने बनाया है दिस कर्व, राइट, तो ये कॉन्टिन्यूस है ए बी के बीच में, राइट, ये डिफरेंशिएबल भी है ए बी के बीच में, एग्जैक्टली। तो ये कहना चाह रहा है कि ए इक्वल्स टू बी भी है, लेट्स से दिस इज एफ ए एंड दिस पॉइंट इज एफ बी, तो यू कैन सी कि एफ ए एफ बी के इक्वल भी है, तो तीनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट होगा एफ डैश सी जो जीरो के इक्वल होगा, जिसका स्लोप जीरो होगा, मतलब जो पैरेलल होगा आपकी इस लाइन के साथ, राइट, एफ डैश सी मतलब हम डिफरेंशिएशन करके क्या निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, तो वही कह रहा है कि वो जीरो होगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, सेकेंड ग्राफ देखिए, इसमें क्या गिवन है
कि मैंने ग्राफ बनाया है, ये कॉन्टिन्यूस भी है ए बी के बीच में, राइट, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, यू कैन सी, ये डिफरेंशिएबल भी है ए बी के बीच में, और अगर आप देखें तो एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू भी इक्वल है, सेम लाइन में आ रही है, राइट. तो ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट होगा एफ डैश सी जिसकी वैल्यू जीरो होगी, मतलब एक पॉइंट होगा सी जो एफ डैश सी जीरो होगा, जो पैरेलल होगा इस लाइन के आपकी एक्सिस के, राइट स्टूडेंट. तो ये दो केस हो सकते हैं रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करने के लिए, और कोई केस हो सकता है, एक और हो सकता है, लेट्स सी. ओके स्टूडेंट, अगर आप थर्ड केस देखें तो इसमें मैंने क्या बनाया, एक साइनोसॉइडल वेव बनाई है. तो यू कैन सी कि ए है, पॉइंट बी है, एफ ए एफ बी भी सेम ही है, राइट. तो देयर कंसिस्ट सम एफ डैश सी जिसपे वैल्यू जीरो होगी, जिसपे स्लोप जीरो होगा, दैट इज एक पैरेलल लाइन आएगी आपके एक्सिस के. ये थी रोल्स थ्योरम की कहानी, राइट. ये थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि ग्राफ किस तरह दिखेगा, राइट. मैंने दिखाया कि ग्राफ कुछ इस तीन तरह दिख सकता है. क्या होता है एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो का मतलब, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. अब देखते हैं क्वेश्चन, और देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व कैसे करना है, राइट स्टूडेंट्स. ग्राफ्स हमने स्टडी कर लिए, ये था रोल्स थ्योरम. अब इसी की बहन आती है मीन वैल्यू थ्योरम. दे आर वेरी मच सेम, बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में, थोड़ा सा डिफरेंस है. देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम. तो इसके अंदर ये क्या कहता है, लेट एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स, जो कि डिफाइन हो रहा है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. तो इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, चेक करते हैं. इसके लिए दो कंडीशन चेक करनी है सिर्फ, वहाँ पे तीन करनी थी, यहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी है. पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट. अगर ये ट्रू है, सेकेंड कंडीशन क्या है, डेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ए बी. तो अगर ये दोनों कंडीशन स्टूडेंट ट्रू हो रही हैं, देन मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, राइट. अगर अप्लाई हो रही है देन क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट सम सी, एक पॉइंट, एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी इन योर इंटरवल, इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल है, ओके, सच दैट के एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ओके. बी माइनस बी और ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी. तो बेसिकली क्या है मीन वैल्यू थ्योरम, कि अगर एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी आता है तो मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, अगर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी आता है तो रोल्स थ्योरम लगेगी, राइट. यहां तक चीजें क्लियर है. अब क्वेश्चंस देखें, उससे पहले मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम के भी थोड़े ग्राफ से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कहना क्या चाहता है. तो स्टूडेंट, जो मैंने ग्राफ बनाया है इसे ध्यान से देखिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होंगे, और अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो क्या होंगे. तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि जो एफ ए की वैल्यू है और जो एफ बी की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी. एंड यस, ये कॉन्टिन्यूस है इंटरवल के अंदर और डिफरेंशिएबल भी है. तो स्टूडेंट, वो जो कंडीशन आई कि एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वो कहाँ से आई, लेट्स सी. ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट. तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है हमें पता है, तो निकालते हैं इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 दैट इज fb माइनस fa अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज b माइनस a. ये स्लोप आ गया एक लाइन का. नाउ मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एक पॉइंट f डैश c एग्जिस्ट करेगा आपके इंटरवल के कहीं भी बीच में, लेट्स से यहाँ पर है. तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप लगाऊं तो दिस इज इक्वल्स टू दिस लाइन, राइट, मतलब इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे. तो जो मेरा एफ डैश सी है वो भी इसके इक्वल होगा. तो ये कंडीशन स्टूडेंट यहाँ से आई. तो एक केस तो ये है जब आपका ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ हो तब आपकी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी. और केसेस देख लेते हैं, लेट्स सी अनदर केस. तो सेकंड केस क्या हो सकता है स्टूडेंट, जो ग्राफ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ है, राइट. तो अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करके एक लाइन बनाऊं और उसका स्लोप लिखूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज दिस इज बी, दैट इज बी एफ बी
एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए एफ ए, तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप पता है हमें कैसे निकलते हैं, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि ये इक्वेशन यहाँ से आई, हमने एक लाइन का स्लोप निकाला, फिर हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है, तो स्टूडेंट इसका स्लोप, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आई होप कि आपको रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों समझ आई होंगी, क्या डिफरेंस है, थोड़ा तो पहले एप्लीकेबल में डिफरेंस है कि अगर एफ ए एफ बी के इक्वल आता है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, अगर एफ ए एफ बी के इक्वल नहीं आता है तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अब अगर अप्लाई हो रही है आपकी रोल्स थ्योरम, तो एक एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है जिसका वैल्यू जीरो है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, एंड इन मीन वैल्यू थ्योरम एक एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। आई होप यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं दोनों के कि सॉल्व कैसे करना है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरीफाई रोल्स थ्योरम, हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। फॉर अ फंक्शन एफ एक्स, एक एफ एक्स दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, और जो कंडीशन थी कि आपका एफ एक्स लाई करता है बिटवीन ए एंड बी, ऐसी एक कंडीशन दी हुई होती थी, तो उसमें क्या है, हियर ए इज माइनस फोर एंड बी इज टू, तो कंडीशन भी दे दी गई है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि क्या एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है इन माय क्लोज्ड इंटरवल माइनस फोर टू टू। तो स्टूडेंट बिफोर मैं आपको एक क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूं कि कौन से फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ओके, तो आपकी जो एनसीईआरटी में है बहुत बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शंस ही दिए हुए हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, लिख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। दूसरी चीज़, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो भी कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल दोनों होती हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स ये भी आपके डिफरेंशिएबल भी हैं, कॉन्टिन्यूस भी हैं। तीसरी चीज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस भी होते हैं स्टूडेंट और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बताए थे, कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल, लाइक दिस। ओके, तो अब एक और चीज़ पढ़ी थी, एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, राइट, बट इनवर्स इज नॉट ट्रू। सो यू कैन सी कि ये जितने भी फंक्शन मैंने डिस्प्ले किए हैं ये सारे कॉन्टिन्यूस भी हैं, डिफरेंशिएबल भी हैं, राइट। एक थ्योरम और पढ़ी थी कि इनका एडिशन, इनका सब्सट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लीकेशन और इनका डिवीजन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें तो ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, तो क्या मैं इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस लिख सकती हूँ, यस, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो आई कैन से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस फोर टू टू, राइट। सेकेंड कंडीशन भी मैं लिख सकती हूँ कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस फोर टू टू। थर्ड कंडीशन चेक कर लेते हैं, पहले एफ बी निकाल लेते हैं, मतलब एफ ए और एफ बी निकालना है, तो एफ ए मतलब माइनस फोर निकाल लेते हैं, इसमें माइनस फोर रखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस फोर स्क्वायर प्लस टू इंटू, अब दूसरी जो आपकी लिमिट दी हुई है उस पर निकाल लेते हैं, मतलब F2 निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 4 प्लस 4 माइनस 8, ये भी जीरो के इक्वल आएगा, तो वी कैन सी के F माइनस 4 इज इक्वल्स टू F2। तो हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि FA इज इक्वल्स टू FB, नाउ वी कैन से कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। ओके, मतलब देयर एग्जिस्ट सम रियल सी इन
ओपन इंटरवल माइनस 4 to 2 सच दैट कि एफ डैश सी जीरो होगा। तो स्टूडेंट पहले एफ डैश सी निकाल लेते हैं फिर उसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको राइट अगर एफ एक्स ये है तो एफ सी क्या होगा दैट इज एक्स के प्लेस पे सी आ जाएगा राइट एफ सी निकाले। अब एफ डैश सी निकालना है एफ डैश सी मतलब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश सी क्या आ जाएगा आपका दैट इज 2c+2 राइट। तो अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम ये किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा बाय दिस कंडीशन। तो ऑन सॉल्विंग क्या आ जाएगा 2c = -2c = -1। तो c की वैल्यू आपकी -1 आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वो जो c एग्जिस्ट कर रहा था वो c क्या है वो पॉइंट -1 पॉइंट है। दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आपने देखा कैसे प्रोसीजर किया हमने हमने पहले कॉन्टिन्यूस लिखा उसके बाद आप रीजन भी लिख सकते हो बिकॉज द फंक्शन गिवन इज पॉलिनोमियल। फिर हमने डिफरेंशिएबल चेक किया देन हमने एफ ए इक्वल्स टू एफ बी किया राइट फिर हमने एफ डैश सी को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। ये थी स्टोरी आपकी किसकी एक रोल्स थ्योरम की। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व होगा दैट इज दिस। क्या है वेरीफाई कीजिए मीन वैल्यू थ्योरम को दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 3। एक इंटरवल दिया हुआ है ए बी जहां पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 4 है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन क्या चेक करनी होती थी मीन वैल्यू थ्योरम कि क्या जो फंक्शन गिवन है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और हमने पढ़ा है कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो लिख देते हैं स्टेटमेंट को दैट एफ एक्स देन स्टूडेंट सेकेंड कंडीशन क्या होती थी हमें एफ एक्स को डिफ्रेंशिएबल चेक करना होता था इन ओपन इंटरवल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफ्रेंशिएबल भी होते हैं लिख देते हैं एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 4। अब थर्ड कंडीशन नहीं होती थी इसके अंदर दो ही होती थी दोनों चेक कर ली। अब क्या होता था इफ ये दोनों ट्रू हैं तो देयर एग्जिस्ट सम सी इन माई इंटरवल 1, 2, 4 जिसकी वैल्यू क्या होती थी एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट को ओके स्टूडेंट मतलब मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट करती है। लिख दिया हमने ये स्टेटमेंट। अब हमें क्या निकालनी है एफ फोर की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ वन की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ डैश सी निकाल लेते हैं देन अपने इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। सो लेट्स सी कैसे निकालेंगे एफ एक्स क्या गिवन है राइट तो एफ फोर क्या हो जाएगा एफ फोर इज इक्वल्स टू -3 राइट एफ वन क्या हो जाएगा -6 एफ सी क्या हो जाएगा दैट इज एक्स के प्लेस पे सी आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4c - 3। हमें एफ डैश सी चाहिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं क्या आ जाएगा 2c - 4। अब इन सबको उठा के अपने फॉर्मूले में रख देते हैं तो वॉट वी आर गेटिंग इज 2c - 4 इज इक्वल्स टू -3 - -6 अपॉन 4 - 1। फर्दर सॉल्विंग And c is equals to 5/2 is the answer. तो जो c की वैल्यू हमें निकालनी थी जो c एग्जिस्ट कर रहा था वो c की वैल्यू क्या आई 5/2। तो स्टूडेंट इतना ही ईजी है रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करना। आपने देखा क्या करना है सिर्फ सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशंस दे दी जाएंगी और दिस इज द प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया। तो इसके ऊपर आपकी एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.8 बिल्कुल इसी पैटर्न से क्वेश्चन होंगे सेम प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए होंगे। इनफैक्ट आई थिंक के सारे क्वेश्चन में आपको जो एफएक्स दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल ही है तो कॉन्टिन्यूटी और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वी नो के पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी। दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।